नमस्कार दोस्तों, अरिहंत पढ़ाकू के अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज आप बच्चों ने हम लोगों से पूछा है कि भाई रिवीजन कैसे करें, पढ़ाई तो पूरी कर ली है या फिर पढ़ाई अब तक पूरी नहीं हुई है, रिवीजन कैसे करें सर, आप ये बताओ। तो लीजिए, अकाउंट्स का रिवीजन कैसे करना है इसको लेकर मैं आ गया आपके सामने एक बार दोबारा। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों आप लोगों के साथ बातचीत करना। आप लोग जब कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसके साथ आप रियल में आप डील कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है, तो पूछते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्या बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर एक बात बताओ, बेस्ट टाइम ऑफ रिविजन क्या है। दोस्तों देखिए, बड़ा पेचीदा सा सवाल है ये, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो दिसंबर के महीने में देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा दिसंबर बेस्ट टाइम है। अगर आप ये वीडियो जनवरी के महीने में देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा जनवरी बेस्ट टाइम है। और अगर ये वीडियो आप नवंबर के महीने में देखते तो मैं आपको कहता कि नवंबर का महीना बेस्ट टाइम है। क्योंकि रिविजन तो दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आप जब से स्टार्ट कर दो तब से वो चीज इंपॉर्टेंट है, जब से आपका परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है रिविजन का, ठीक है। तो रिवीजन में ऐसा नहीं है कि यार एक डेट हम निकालेंगे और उस डेट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, नहीं दोस्तों। रिवीजन तो एक ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूसली चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते हैं, एनपीओ सबसे पहला या फिर फंडामेंटल सबसे पहला चैप्टर होता है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया अप्रैल में, और उसके बाद अब जो है आपका महीना आ गया है कौन सा, दिसंबर का। बच्चा जो है वो सारा का सारा चैप्टर भूल जाता है। भूल गए कि नहीं भूल गए, भूल गए ना पक्का। तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड इट कॉन्टिन्यूसली। आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर कर रहे हैं, साथ ही साथ हफ्ते में एक एनपीओ का क्वेश्चन, एक फंडामेंटल का क्वेश्चन, एक एडमिशन का क्वेश्चन, ये सब रिविजन का प्रोसेस है। तो रिविजन ऐसे नहीं है कि आप एक कोर्स खत्म कर लिया अब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको रिविजन साथ ब साथ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रिविजन करने का बेस्ट टाइम क्या है, राइट नाउ। वीडियो देखिएगा, जो कमेंट करना है कमेंट करिएगा, लाइक करना लाइक करिएगा, उसके बाद यू शुड मेक श्योर दैट आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर अब ये बताओ कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली बात, आप जिस भी किताब को रेफर कर रहे हैं उस किताब को पूरी खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर करना स्टार्ट करिए। सर प्रैक्टिस पेपर कौन सा करें, तो दोस्तों अरिहंत वालों ने इतनी प्यारी सी प्रैक्टिस बुक निकाल रखी है जिसके अंदर 15 सैंपल पेपर्स हैं। तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर रिलीजियसली डूइंग ऑल द सैंपल पेपर्स इन दिस बुक, ठीक है जी, हर एक सैंपल पेपर। अच्छा हाँ, सैंपल पेपर करने का तरीका क्या, जैसे इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। 5 इसमें फुली सॉल्व क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर ऐसे करके हैं। 5 इसमें क्वेश्चन पेपर हैं फॉलोड बाय आंसर्स इसके बाद है, और 5 बिल्कुल अनसॉल्व्ड है। तो वो जो बचे हुए जो 10 है, मतलब पहले के 5 के अलावा बाद के 5 और 5, जो 10 पेपर हैं, आप ऐसे करिए कि भाई आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, अपने घर वालों को कह दो कि अगले 3 घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, पेन लो, पेंसिल लो, पेपर लो, और फिर अच्छे से आप पेपर्स को सॉल्व करिए। अब अपने स्कूल टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स से वो चीज़ चेक करवा सकते हैं। तो आप यू शुड मेक श्योर, आप ऐसे मत करिएगा चल ठीक है यार मैंने शेयर्स का क्वेश्चन करा है, चल ठीक है शेयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इन दैट केस यू आर वेस्टिंग योर सैम्पल पेपर, बिकॉज सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर होता है जो आप सीधा बोर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, और बोर्ड में आपको एक शेयर का क्वेश्चन अलग से नहीं करेंगे आप उसमें सारा का सारा पेपर एक साथ करेंगे। तो ये जो 10 पेपर्स हैं, यू शुड मेक श्योर कि आप इसको बोर्ड एनवायरनमेंट में दे रहे हैं। पेपर लीजिए, पेन लीजिए, स्केल लीजिए, सब कुछ ढंग से लीजिए, एंड यू शुड मेक श्योर कि आप बिल्कुल फॉर्मेट के साथ ही आप इसको कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात पक्का श्योर। तो दोस्तों अभी और एक चीज और है, ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के ऊपर है। सीबीएसई ने 19 सितंबर 2019 को अपनी लास्ट नोटिफिकेशन निकाली और इस बुक के अंदर वहां तक की अपडेट्स है। तो बिल्कुल मार्केट में और कोई इससे बढ़िया, मार्केट में सैंपल पेपर बहुत है लेकिन सबसे ज्यादा लेटेस्ट और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक यही है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये पेपर आप कर लो, सीरियसली बहुत आपको फायदा मिलेगा। और रही बात इस पेपर की, कि जो आप लोगों को पता ही है 20 नंबर के आजकल एमसीक्यूज, 1 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्रेंड में चल रहा है वो सारे क्वेश्चंस है इसमें।
तो आइए, जब ये वाली बात स्टार्ट हो ही गई है तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सर एक बात बताओ, कैसे करें एक नंबर के क्वेश्चंस? दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चंस आप तब ही कर सकते हैं जब आपको पूरा कोर्स आता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सर जी पूरा कोर्स तो मुझे आता नहीं है लेकिन एक एक नंबर के 20 नंबर मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। अगर आपको चैप्टर्स आता है, अगर आपको टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे के अंदर है कि चल यार 20 नंबर तो पक्के हो गए, दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर चैप्टर आपको अच्छे से पता है तो 20 में से 20 हैं आपके। अगर आपको चैप्टर्स नहीं पता तो यकीन मानिए दोस्तों, इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ट्रिकी ऑप्शंस भी आएंगे आपके पास। ठीक है जी, यू शुड मेक श्योर कि आप अपना फुल फ्लेज्ड पेपर, फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, एंड उसके बाद गो फॉर दीज एमसीक्यूज। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का श्योर? चलिए जी, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि भाई एक बात बताओ सर, सैंपल पेपर और पास्ट ईयर पेपर के की इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा एक बात बताइए, अब सीबीएसई का पेपर देने जा रहे हैं ना, सीबीएसई का पेपर देने जा रहे, पक्का? तो आपको किसके हिसाब से तैयारी करनी है, सीबीएसई के हिसाब से तैयार करनी है किसी और के हिसाब से तैयार करनी है? सीबीएसई के हिसाब से तैयारी करनी है। अरे तो भाई पास्ट ईयर पेपर जो सीबीएसई ने बनाया है उसी के ऊपर तो आपका मेन फोकस होना चाहिए। पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है लेकिन सीबीएसई अपना लेवल थोड़ी ना बदलेगा। तो बेटा 3 घंटे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, पास 15 पेपर तो आप करेगा, उसके अलावा और कहीं से भी सैंपल पेपर मिल जाए वो भी कर लेना, और साथ में पिछले 5 साल के पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं। वही 3 घंटे निकालो ढंग से, पेंसिल पेपर पेन सबको ढंग से, नरेशंस वगैरह भी प्रॉपरली लिखो जैसे भाई बोर्ड का पेपर करने जा रहे हो। घर वालों को मना कर दो सीधा, देखिए मुझे थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब मत करिए, मैं दुकान नहीं जाऊंगा कुछ खरीदने के लिए, मेरे पास कोई खाना वाना मत लेके आना, 3 घंटे दे दो बस मुझे। हाँ, और साथ में घर वालों को भी मत डांटना, अपने आप को भी बोलना कि भैया अपना फोन साइड में रखना, कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल मत करना, और चल ठीक है कोई बात नहीं आज मैं स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहा, फॉर्मेट्स प्रॉपरली बनाओ, नरेशंस प्रॉपरली बनाओ, उसी के ऐसे ही आपके स्कोर्स बनेंगे दोस्तों। क्योंकि हर चीज जो है वो प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस अभी करोगे वो एग्जाम में उसका रिजल्ट मिलेगा, एग्जाम में उसका फ्रूट मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि चल सर आज तो मैं कैसे भी कर लूं, बोर्ड में देखना मैं बहुत अच्छा करूंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। व्हाट एवर यू आर डूइंग इन द बैकग्राउंड that will be reflected in your board results and board examinations. So you should always make sure कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो board को दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं। इन 10-15 papers को भी, previous year papers को भी, सब कुछ board pattern के हिसाब से करिएगा। बहुत emphasis डाल रहा हूँ। अगर घर पे आपका माहौल नहीं बन पाता, कुछ होते हैं घर पे माहौल नहीं बन पाता सर, जॉइंट फैमिली है नहीं बन पा रहा घर पे माहौल, कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल में बैठिए, आप अपने लाइब्रेरी में बैठिए, कोई स्कूल की लाइब्रेरी आपको मना नहीं करेगा नहीं नहीं 3 घंटे के बाद निकलो, नहीं हो सकता वो ऐसा। स्कूल की लाइब्रेरी चलो ठीक है, स्कूल में माहौल नहीं बन रहा, दोस्त वगैरह बहुत परेशान करते हैं, आप अपने ट्यूशन वाले के पास जाइए और उसको बोलिए कि भैया मुझे प्लीज 3 घंटे के लिए यहाँ पर बैठने दो, मॉर्निंग में तो आपका कोचिंग खाली होता है, मुझे बैठने दो। अगर जेन्युइनली अच्छा ट्यूशन वाला होगा ना तो वो अलाउ कर देगा दोस्तों। ठीक है जी, लेकिन मेक श्योर कि उस 3 घंटे आपके पास कोई फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो बस एक आपका क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, पेंसिल पेन और स्केल, फॉर्मेट बना के ढंग से 3 घंटे दोस्तों हर दिन आपको देने हैं, हर दिन आपको देने हैं। सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने पेपर करने चाहिए? देखिए दोस्तों, देखिए ये अगर आप अक्टूबर के महीने में ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप हफ्ते में एक कर लो बहुत है, नवंबर में भी हफ्ते में एक कर लो बहुत है, दिसंबर में हफ्ते में 2, जनवरी में भी हफ्ते में 2, फरवरी में हफ्ते में 3। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी की भी बात आप कर लो, हर सब्जेक्ट में आप, क्योंकि ये वीडियो हम लोग दिसंबर में बना रहे हैं तो कम से कम 2 आपको हर हफ्ते में वीडियो सैंपल पेपर करने चाहिए, 2 कम से कम हर सब्जेक्ट के। ठीक है जी, चेक करवाइए अपने टीचर्स से और क्या। ठीक है जी, पक्का? तो 2 कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 2 होनी चाहिए दिसंबर में, जनवरी में मेक इट 3, फरवरी में मेक इट 4। बोर्ड्स में आप लोग आतंक मचा देंगे, आग लगा देंगे हम सीरियस विद इट। ठीक है जी, अगला जो सवाल है मेरे सामने बच्चे जो पूछते हैं वो ये है कि सर एक बात बताइए, हम लोग मार्क्स कैसे स्कोर करें? सर कॉन्सेप्ट तो सब कुछ आता है, मार्क्स स्कोर नहीं होते सर। दोस्तों क्या आप लोग ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं क्या? क्या आप लोग अपने स्पीड पे ध्यान देते हैं? बच्चे मुझसे पूछते सर कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है, बोर्ड मेरा पेपर छूट जाता है।
अरे पेपर तो छूटेगा ही, आप लोग कैलकुलेशंस में घंटों लगा देते हो, आप लोग जो है अनाप शनाप के वर्किंग नोट्स बनाते हो, या फिर कोई वर्किंग नोट काम का होता है वो नहीं बनाते, तो क्यों देंगे टीचर्स आपको नंबर? तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशंस पे आप लोग फोकस करिए। बच्चे तुरंत ही फोन निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अरे नहीं दोस्त, अभी से आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट की या फिर इन सब कैश फ्लो स्टेटमेंट की अकाउंटिंग रेशियोज की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो यू शुड मेक श्योर कि आप लोग कैलकुलेशंस में भी ध्यान दे रहे हो, आप लोग अपने फॉर्मेट प्रेजेंटेशन तरीका हर चीज में आप ध्यान दो। आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। आप परफेक्शन के साथ काम करेंगे, जुगाड़बाजी नहीं करनी है हम लोग, और आप हैं भी नहीं ऐसे, परफेक्शन के साथ दोस्तों हर चीज को, कैलकुलेशन सब कुछ। और CBSE के वेबसाइट में पास्ट ईयर के जितने भी जो 100 जिन्होंने भी स्कोर कर रखा है उनके आंसर्स की आंसर की दे रखी होती है, जो बच्चों के खुद ब खुद हैंड रिटन, आप उनको देखिए, पिछले 5 साल के हैं दोस्तों, अभी फिलहाल जो 2018 17 16 15 सब की हैं। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को दिखाता ही हूँ वो, कि भाई एग्जैक्टली देखो कि आंसर कैसे करते हैं, और आपको समझ आ जाएगा दोस्तों आंसर कैसे करते हैं। एक थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कितने प्यार से, कितने नीट एंड क्लीन तरीके से बच्चों ने काम कर रखा है यहाँ पर, एकदम क्लीन प्रेजेंटेशन सब। इस तरह से क्लीन काम करना है आपको, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट। आप लोग देखिए जरा इन सब चीजों को, एंड देखो ध्यान से, मतलब आपके हाथ में है स्कोर करना। एक बात बताइए, खाना आपने बहुत टेस्टी बनाया लेकिन उसको परोसर अच्छे से नहीं करा, तो क्या खाना खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। खाना ऐसे ही रख दिया आपने, क्या खाना खाने में मजा आएगा? नहीं भाई, खाना टेस्टी भी होना चाहिए, खाना टेस्टी इज कॉन्सेप्ट, और उसको परोसना भी आना चाहिए, परोसना इज प्रेजेंटेशन। बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, तभी जो स्वाद जो है वो आएगा, एंड स्वाद इज योर स्कोर्स, स्वाद इज योर मार्क्स। ठीक है जी, पक्का? तो क्या बोला मैंने आपको, प्रैक्टिस करिए, पेपर्स हैं आपके पास अरिहंत के, CBSE के पेपर सॉल्व करिए, आंसर्स देखिए बच्चों ने कैसे कर रखा है, कैलकुलेशंस में ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए, ठीक है? वर्किंग नोट्स अनाप शनाप मत बनाइए, और जो बनाने हैं उसको बनाइए, ठीक है? आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर कौन कौन से वर्किंग नोट बेकार है, कौन कौन से काम है, हम आपको बता देंगे। नहीं तो आप अपने स्कूल्स या ट्यूशन टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो भी आपको एग्जैक्टली बताएंगे, ठीक है जी? तो दोस्तों इसके बाद एक सवाल है कि व्हाट इज द परफेक्ट वे ऑफ रिविजन। देखिए दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। देखिए, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम के 4 दिन पहले अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ ही नहीं पाते, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को कब क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आपको कैसे करना है। आपको अकाउंट्स की थ्योरी जो है मॉर्निंग में देखनी है, रात को देखनी है, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल मॉर्निंग में करने हैं, रात को करने हैं। जैसे मैं तो बचपन में बेटे रात का कीड़ा था, मैं तो सारा का सारा पढ़ाई जो अपनी रात को करता था, क्योंकि सवेरे उठ के मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। आप ये देखिए कि कौन से टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा आप ग्रास्प कर पा रहे हैं, रात को या दिन में, एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस एट दैट पीरियड। ठीक है जी, किसी दूसरे के कहने पर मत जाओ कि हाँ भाई फलाना अंकल कह रहे थे कि सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई करो तो अच्छी बात है। आप सवेरे 4 बजे उठकर, आपको नींद ही आई जा रही है, तो क्या करो, क्या करा आपने उठकर? कुछ भी नहीं करा। ठीक है जी, हाँ, और अगर रात को पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को साइड में रखना। ठीक है जी, आपके दोस्त, आपके स्कूल मेट्स, आपके ट्यूशन मेट्स, आपके फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके सामने, इन सब को रखो साइड में। पढ़ाई करते टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन आसपास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पक्का, श्योर, ओके। और एक दिन पहले रिविजन, सर एग्जाम है हमारा 15 मार्च को, सर 14 मार्च को क्या करूँ? बहुत अजीब सवाल है दोस्तों ये, क्या करूं मैं? अरे पढ़ाई करो और क्या करोगे। ठीक है, चलो चलो, जोक सपाट। देखिए, उस दिन आप कुछ भी नया सब टॉपिक मत उठाना, या ट्यूशन वाले सर ने कहा है, स्कूल वाली मैम ने कहा है, मेरे दोस्तों ने कहा है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं तो दोस्तों नहीं कर पाओगे आप लोग। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको मेक श्योर आप लोग थॉरली गो थ्रू कर रहे हैं, और तकरीबन ये मान के चलिए 4-5 बजे तक पढ़ो, उसके बाद किताब वगैरह बंद कर दो। सीरियसली बेटा, कोई फायदा नहीं है, बहुत साल हो गए मुझे भी पढ़ते पढ़ाते हुए, आखिरी मोमेंट में आप जो कुछ पढ़ते हो या तो आपको सिर्फ वही ध्यान रहता है या तो वो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और क्या फायदा इसका। MS धोनी का थोड़ा फैन हूं मैं दोस्तों, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कह रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने पूरे साल ढंग से मेहनत कर रखी है तो आखिरी दिन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है तो भी आखिरी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी। तो क्यों फालतू में एंड डेट पे जाके पढ़ना क्यों बेटा क्यों? बिजली का बिल थोड़ी ना जो एंड डेट में जाके भरोगे, नहीं। यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोगों ने सारे रिविजन पहले कर लिए ताकि एंड में आप एकदम चिल मारे। दोस्तों मुझसे अधिकतर बच्चे पूछते हैं, आप प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे अधिकतर पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अब बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अजीब सा सवाल है ये, क्योंकि मैं तो कहता हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट के और इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ ये अच्छा सवाल है। अगर मैं आपसे सिस्टमेटिकली बात करूँ तो एनपीओ वाले चैप्टर में आपके पास जो भी 6 नंबर 3 नंबर वाले तो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं पार्टनरशिप में आऊं तो पार्टनरशिप में एडमिशन में जो भी एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस है, ओल्ड पार्टनर के बेसिस में न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना या फिर न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके। ये मान के चलिए पिछले 10 साल में तकरीबन ये क्वेश्चन 9 बार आ रखा है, 10 साल में 9 बार, इट्स 90% ऑफ द टाइम्स, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ डिसोल्यूशन में एंट्री वाले क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर एंट्री वाले क्वेश्चन नहीं आए थे और उससे पहले एंट्री वाले क्वेश्चन 2-3 साल लगातार आए थे, तो एंट्रीज वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद शेयर्स में अगर बात करूँ तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी एक आसान क्वेश्चन ही आना चाहिए, क्योंकि 2017 और 18 में मुश्किल क्वेश्चन आए थे, 19 में रिलेटिवली आसान क्वेश्चन आया था, तो मैं मानता हूँ ऐसा कि आसान क्वेश्चन ही आएगा जिसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होगा, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर रेशियो एनालिसिस की बात करूँ तो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यही सारे रेशियोज जो इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करी जाए तो अभी तक बोर्ड्स में सिर्फ एक साल में, वो भी कंपार्टमेंट 2016 में, सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन आया था जहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने को आया था, ठीक है जी। मतलब आप तो पूरा कैश फ्लो बनाते हो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो सिर्फ इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करने को आया था सिर्फ एक बार, उसके बाद अभी तक आया नहीं है ये। मतलब मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, आज तो कभी नहीं आया बोर्ड्स में, मेन बोर्ड्स में। कंपार्टमेंट की तैयारी तो हम लोग करेंगे ही नहीं, हम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बोर्ड्स में आज तक कभी नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, तो यू शुड मेक श्योर दैट यार ये चीजें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टॉक को खरीदा उससे करंट रेशियो बढ़ी घटी या नो चेंज, इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है भाई, भरपाई कहाँ से करेगा सीबीएसई, इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों से करेगा, ठीक है जी। यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये भी कर रहे हो। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, सीरियसली मैं आपको बताऊँ दिल से इंपॉर्टेंट हर चीज़ है। मैं एक ऐसा अकाउंटेंट, एक ऐसा प्रोफेशनल, कॉमर्स प्रोफेशनल चाहता हूँ आपके अंदर से, कि जिसको सारी चीज़ें की परफेक्ट नॉलेज हो, चाहे एनपीओ हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी अकाउंट्स हो, एनालिसिस हो, यू शुड बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, दैट आई वांट आउट ऑफ यू। बच्चों ने पूछा तो मैंने बता दिया, बट स्टिल आई पर्सनली डोंट रेकमेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई वांट यू टू स्टडी एवरीथिंग, बट स्टिल सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दो, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है पक्का। तो अभी क्या काम है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट्स, क्योंकि ऐसे काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर देना आपके जो भी क्वेश्चन है, विल डेफिनेटली मेक श्योर टू गिव इट्स रिप्लाई, या तो अरिहंत वाले आपको दे देंगे या तो मैं ही पर्सनली आपको दे दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, किताबें बंद करनी है और आपको अपनी रिविजन, आपको अपना प्रैक्टिस खत्म कर दें, क्योंकि अब तक कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, नहीं खत्म हुआ दोस्त आप डामाडोल चल रहे हैं, 10-12 दिन में कोर्स खत्म करिए एंड रिविजन स्टार्ट करो आज से, अभी से, ठीक है पक्का, प्रॉमिस कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, मेक श्योर यू आर डूइंग अमेजिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और छोड़ दो यार जल्दी आओ एसआरसीसी, आओ मिलता हूँ मैं तुमसे एसआरसीसी में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।